तो आज हम बना रहे हैं पनीर के पराठे। तो इसके लिए हमें आलू लेकर आए हैं। आलू ये पनीर लेकर आए हैं। अफ्रीका के आलू है क्या? अरे इतने बड़े बड़े। अरे जल्दी से एक किलो हो जाएगा ना, छोड़ने में आधा घंटा लग जाता है। जल्दी से एक किलो खत्म करना था। अभी इसका जुगाड़ भी करना है हमको। बड़े डाल दे, बड़े बड़े बहुत है ना। तीन काम भी डाल दे, छोटा वाला। गैस कौन करेगा? और नीचे से किधर हो गया होगा ना, दिखाओ जरा। आटा गूंदना है। कितना आटा? ये देखो ऊपर से भी गिर रहा है। ऐसे कैसे छान रहे यार? आधा भरना है। आधा चलो आटा गूंदते हैं। आधा भर के दिखाओ। हसूरा आटा भी पहले आटा गूंदना है। क्या गूंद रहे हो आप? आटा गूंद रहे हो कि क्या गूंद रहे हो? आटा ये भाई हो। कैसा लग रहा है आपको? जल्दी से गूंद जाए बस ये। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करो करो। देख देख सही गूंदा ना आटा। देख कितना बढ़िया हो गया। हाँ बढ़िया हो। गूंदो गूंदो। देख मस्त लग रहा ना। ऐसा लग रहा कि मतलब किसी ऐसे इंसान ने गूंदा है जो पहली बार कर रहा होगा। लग नहीं रहा ना ऐसा? ना ये तो टैलेंट है देहरादून बिग टेस्ट की। बहुत चीजें मेरे अंदर छुपी हुई है जो एक पता नहीं है, धीरे धीरे करके बाहर आ रही है 2022 में। और ये हमारे आलू उबल रहे हैं स्टाइल से। हाँ ऐसे करके आलू उबालने पड़ते हैं। आटा तो बढ़िया गूंदा आपने। अब तो भाभी को जरूरत नहीं यार आटा गूंदने की। तब कहाँ से ला रहे हो भाभी? ले आएंगे मौकमपुर से ही। अरे ये बहुत बढ़िया गूंदते हुए आराम से ग्लास गर्म हो गए। आलू क्रश करो आप। अबे ये तो टाइट हो रहा। टाइट हो रहा है? हाँ। नहीं उबला आलू। उबल तो रखा है बढ़िया। नहीं उबल रखा, देख पीछा की नहीं रहा आलू। आलू भी पीछा करा भाई। और देखो जरा दूसरा वाला, ये बड़ा वाला देखो। आलू नहीं चक रहा, आलू नहीं उबला, दोबारा उबाल इसको। तो ये छोटू आलू तो हो गया। उधर उधर इसको एक अबे इसको हम ऐसे को उबालेंगे ना, ऐसे करके कुछ काट देंगे हम इसको। ऐसा नहीं लग रहा जैसे आम काट रहे हो। देख अंदर पूरा कच्चा आलू है देखो। इसको उबालेंगे हम। अब इसको गर्म करते हैं, आलू उबल जाएगा। एक ही बात है। करो करो। अब आलू उबालेंगे। अब उबलेंगे आलू लाटा। तो एक काम करो। हाँ ये लगाओ, वो भी लगाओ। अरे उससे ना भाप निकल रही है बाहर। हाँ। ग्लास से ना। हाँ। हमको कुछ और चाहिए अभी यहाँ पे। एक आदमी के लिए बहुत है। मैंने इसलिए मंगाए ना कम। हाँ। क्योंकि आलू भी थे और पनीर भी है तो ज़्यादा हो जाएगा। मींदू करो करो करो। जब आलू पड़ेंगे ना उसमें तब आप बोलोगे बहुत ज़्यादा है। ऐसा ना हो जाए कि वो आलू का पराठा हो जाए पनीर ना मात्र। अबे प्याज होते ना, प्याज भी डालते हैं। तो छोड़ो कोई बात नहीं, वो फट जाते हैं ना। तो बिना प्याज का ठीक है ना? हाँ बढ़िया। अरे धर्मपुर भी तो जाना है हमने अभी काम से। तो मसाला बना देते हैं। बनाओ तो जल्दी बनाओ है ना, फिर फिर अपना काम निपटा जाते हैं उसके। आलू तो उबल नहीं रहे इसमें। आलू उबल नहीं रहे ना। एक काम करो बड़ा वाला निकालो अब। वही है ये इसमें आलू उबल जाएंगे। इसमें चार सीटी हो जाएगा? चार के दो आ जाए बहुत है। दो हो जाएगा। तो अब हम आ चुके हैं फिर से 2 घंटे बाद। 5-स्टार होटल में हमारी मीटिंग थी। वैसे इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, इतने बिजी रहते हैं ये। बहुत बड़े लोग हैं भाई हम।
यार जैकेट निकालनी चाहिए थी मेरे को। चलो बाहर निकालो जल्दी। भात थोड़ी खा रहे तुम तो कैसे करूं ऐसे? तो मैच करो ना ऐसे ऐसे में यार। उस टाइम पे जो उस टाइम पे कम लग रहा था। अभी आपको बताऊं क्या करना है, अगर आपको डालोगे तो डालो अभी, नहीं तो अगर नहीं डाल रहे तो मसाला डालो, नमक डालो। वैसे मुझे लग रहा है इससे 4 परांठे तो बन ही जाएंगे। ये डालोगे, एक छोटा सा पीस और डालो, बस हो गया। उसके बाद बहुत है ये। अरे पूरे डाल दो यार, काम करो, एक काम करो पूरे डाल दो। नींद आ रही है आपको? क्यों हैं? क्यों लग रहा है ऐसा? चल मसाला अब डालो। नमक कितना? और थोड़ा कम, थोड़ा कम बस बस डाल दो। और ऐसा मत करिए खराब, ठीक है ना? अरे यूं यूं करना चाहिए था ना, हम मसाले को करने जैसे। पिछली बार तूने हल्दी ज़्यादा डलवा दी, पानी ज़्यादा डलवा दिया था, इस बार बता तमीज से बताइयो। तो हल्दी मैंने अलग से थोड़ी डलवाई, छिड़क दो मतलब पूरा हो जाएगा ना। बस मसाला तो इधर है सारा, बीच में लाओ ना उसे। अरे वो स्टाइल है मेरा, वो मेरा स्टाइल है रे बाबा। ये बहुत ज़्यादा हो गया ना दो जनों के लिए। अरे अभी हो तो खत्म। क्या करना है? ढक्कन हटाओ। अब मसाला बनना है ना, आटा तो गूंदना पड़ेगा ना। ना आटा हो गया। अच्छा आटा हो गया ना, अब निकाले तवा। गैस को बंद करता है क्या? गैस बंद करके जाना चाहिए हमेशा घर से। अबे धनिया तो काटा ही नहीं, चटपट धनिया के करना। तो अब बनाई जाएगी रोटी, उसके अंदर भर के जाएंगे मसाले। इनका छानने का स्टाइल देखिए कितना यूनिक है, पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसा स्टाइल। ये है हमारा लाइट हाउस का राइस ब्रैन ऑयल, और हो चुका है। क्या हो गया? पराठा बनने को रेडी। पराठा रेडी हो चुका है, मतलब होने वाला है। अरे यार इसका ना यहाँ डालना पड़ेगा थोड़ा। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। अबे यार मोटी रोटी बनानी पड़ेगी ना, मोटी रोटी। इतना बड़ा सही है? बताऊँ कैसे करना पड़ेगा? एक के ऊपर एक रोटी है तभी हो पाएगा। एक के ऊपर होटल वाले करते हैं वैसे करते हैं। होटल वाले का स्टाइल अलग है, मैं बता रहा हूँ ना, एक के ऊपर एक रोटी करनी है। फैलाओ फैलाओ फैलाओ। टेंशन होगी। नहीं हो पा रहा क्या? नहीं है, रुको अब इसको ऐसे रख दो, जनता बताएगी क्या ये सही रोटी बनी है। जो भी अगर बोलेगा उसको गुलगुलों में एक बार खा के देखो। कमेंट बॉक्स में बताओ हमको। पिछली बार कमेंट में पड़े थे भाई, कोई बोला हल्दी यार डल गई, कोई बोला चावल धो के नहीं डाले। देखो आज सब कुछ परफेक्ट है इसमें। तो भाई वो सब कुछ तेरी वजह से रहा, फिर भी तुझे पता होना चाहिए कि चावल धो के डालने। अब इसको लगाओ उसके ऊपर दूसरी रोटी को, फैलाने दे एक बार। लगाओ फिर बेलना उसको। ऐसे नहीं बेलेगा वो बेल चुका है जितना उसको बेलना था ना। आप मास्टर शेफ की बात नहीं मान रहे यार, कैसे होगा आपका? जल्दी करो, तवा गर्म हो चुका है कुछ ज्यादा ही। फैन ये आ गया।
अब बेलो उसे ताकि चिपक जाए। कलाकारी देखो इनकी। अबे नीचे वाली रोटी थोड़ी बड़ी हो गई। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे रख दो अब तवे पे, आराम से आराम से। तेल तो लगाना है सुंदर। अरे तेल, यहाँ तेल पहले उसको डालो, रोटी को डालो पहले। हाय हाय, तब दूसरी तैयारी। जब ये पक जाएगा नीचे साइड, पलटना है इसको, ठीक है। अब बनने परफेक्ट। अब इसका निकाला जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr। अबे ये तो पटाई, अबे काली तो नहीं होगी। अब तेल लगाना है इसको। तो जितने मैं पहले स्टूडेंट है, उसका 2πr निकालो। पलटो पलटो पलटो, ये देख। देखो पहले ठुका हुआ मैंने, तो कोई बात नहीं, अच्छा ट्राई था। अब की बार अच्छा बनी रहा है, कोई बात नहीं, एक दो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। अब बुधवार को अंबानी जी आएंगे, उनके साथ मीटिंग है। देखना ये कितनी बढ़िया बनी है भाई, डोसा में बढ़ते ना। मास्टर शेफ आशीष भाई, क्या मस्त पराठा बन रहा है पहले। ये कलाकारी देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये कलाकारी देश से बाहर नहीं जानी चाहिए भाई। जिसको गुजिया बनवानी हो कांटेक्ट करो इनसे। देखना कैसे बैंडेज लगा रखा मैंने इसमें। तो देखो आप सीख सकते हो कि कैसे बैंडेज लगाया जाता है रोटी के ऊपर। अब सोचो आधा किलो पनीर होता है कितना बनता है। देखिए रोटी देखिए, अबे यार पता है ऐसे क्यों चिपकी है, उसमें आटा नहीं लगाया मैंने। अच्छा पलटो, तेल लगाओ भाई। कलर देख इसका, कलर नहीं देखो कितना लाइट ब्राउन है, कितना बढ़िया लग रहा है। नहीं दिख रहा कलर, देखो अच्छा कलर इसलिए है ना, जली नहीं हो। तो मैंने आपको टाइम पे बता दिया। इस बार बहुत ही बढ़िया हो रहा है, बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही। इसके वजह से ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। अरे नीचे की रोटी बड़ी हो रही ना, किनारे से थोड़ा बेल देंगे ना उसको, तब पता नहीं चलेगा। ये देखो आपने क्या गलती करी, यहाँ से बन नहीं करा आपने। उठा ले रे देवा, मुझे मेरे को नहीं, इसको उठा ले। मुझे पराठे बनाने दे, इसको उठा ले। पलटो, यही तो ध्यान में रखना आपको। इधर से ना कच्चा कच्चा रह गया ना इधर से। ये पराठा नहीं है, ये डोसा है, डोसा ये है, गोल डोसा। कैसा लगा था दो बार हाथ जला के? तो ये हमारा पराठा बन के रेडी है, ये देखिए कितना अच्छा है। तो अब आशीष टेस्ट करके बताइए पराठा कैसा है। तो हम टेस्ट करते हैं इसको। ये मेरा बनाया हुआ पराठा है, फर्स्ट टाइम अपना बनाया हुआ पराठा मैं टेस्ट कर रहा हूँ, वो भी घी के साथ। बताओ कैसा है। टेस्ट अच्छा हो रहा हूँ। और फर्स्ट टाइम बनाया मैंने पराठा है। क्या आपको लगता है आपके हाथ में जादू है? अरे लगता है क्या है, वो लगने वाली बात ही नहीं है इसमें। करो तो कुछ छू मंतर। मतलब जा रहा हूँ मैं सूरी चौक, जा रहा हूँ मैं डेरी कॉल पे। अंदर से दिखाइए जरा कैसा भरा हुआ है ये। ए देखिए क-
कितने अच्छी तरह से भर रखा है। पनीर तो दिखी नहीं थी। पनीर कहाँ से दिखेगी जब आलू आलू है? उसमें आलू जाट पड़ गया है। फिर पूरे पनीर पराठा कहाँ से हुआ फिर? आपने तो बोला आलू आलू डालेंगे उसमें। हाँ आयुष बता कैसा हो रहा पराठा? अच्छा रहा है ना? अच्छा रहा ना? जादू आपके हाथ में। ये तो है भाई, बहुत ही टेस्टी हो रहा है ये। ठेली खोलने की आवश्यकता है। ठेली तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। कोशिश करेंगे कुछ और अच्छा बनाएं। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और बताएं आपको अगला व्लॉग में क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके बाय। ओके बाय।